आप सबसे भी, जिस दिन झगड़ा हो, क्योंकि झगड़े हर घर में होते हैं, पति पत्नी है, कितने बर्तन है तो आवाज करेंगे, तो झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर मत जाना, दो तीन दिन बाद चले जाना। पर जिस दिन झगड़ा हो रहा है, दोनों क्रोधित है, दोनों की बुद्धि सही स्थिति में नहीं है, उस दिन घर छोड़कर मत जाना। और आपको तो खास कर कर उनका तो पता होता है कहां गए, आपका पता भी नहीं चलता, उनको डबल चिंता होती है, बिना बताए फोन बंद कर कर गायब, अब ढूंढते रहो कहां गए कहां गए, उनका तो नहीं मिले तो पता है मायके गए। तो ऐसे कार्य मत करना, जिस दिन झगड़ा हो उस दिन तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आपके प्रेम को और खत्म करता है, दूरियां बढ़ा देता है। लेकिन माता ने यही किया, माता उस दिन घर छोड़कर चली गई, महादेव जी समझ गए अब वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो अपमान वहां हो रहा होगा वो उसे देख नहीं पाएगी, वो इसीलिए भी नहीं चाहते थे कि हम दोनों जाए। अब जैसे महाराज कोई भी आप कथा कराए, सत्संग कराए, किसी भी भगवान का कीर्तन करवाते हैं ना, कभी माता रानी का, कभी दादी जी का, कभी कृष्ण जी का, कभी महादेव जी का, कभी बालाजी का, लेकिन सबसे पहले पूजा किसकी होती है, गणेश जी। यानी ये नियम है, कथा किसी की भी हो, कीर्तन किसी का भी हो, पूजा सबसे पहले गणेश जी की। उस समय जब सभा होती थी तो नियम था कि आप बुलाओ मत बुलाओ, पर तीनों देवों के आसन रखने पड़ेंगे, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, आसन रखने पड़ेंगे, मत बुलाओ भले। सती माता जाती है, जाकर क्या देखा, ब्रह्मा जी का आसन लगा है, विष्णु भगवान का आसन लगा है, दोनों ही नहीं आए थे। यह पक्की मित्रता, एक को नहीं बुलाया तो दोनों नहीं गए, तो महादेव ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान नहीं गए थे, लेकिन दोनों का आसन रखा है पर महादेव जी का आसन नहीं, इतना बड़ा अपमान। इतने में ही पिताजी आते हैं, सती माता को देखते हैं, अरे तुम यहां क्या कर रही हो, किसने निमंत्रण भेजा इसे, अपने पति के साथ रहकर उसके जैसी हो गई हो, बिना निमंत्रण कहीं भी पहुंच जाती हो। सती माता ने कहा, पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, क्योंकि महाराज ये लीला है, सती माता को पार्वती माता है तो दुर्गा रूप, काली रूप, तो उन्होंने कहा मैं अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे, कि एक बेटी ने एक पिता को मार दिया, पर मुझे बहुत दुख है कि शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसे ही खत्म कर दूं। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दी। महादेव जी को पता चलता है, अपने गण को भेजते हैं, जाकर सब कुछ तहस नहस कर दो, वहां कोई यज्ञ नहीं होना चाहिए, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर दिया जाता है। तब विष्णु भगवान आकर महादेव जी को शांत करते हैं, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है, और धर्म का कार्य अगर शुरू हो गया तो खत्म होना जरूरी है। तो यज्ञ शुरू हो चुका था, विष्णु भगवान ने कहा यज्ञ अगर पूरा नहीं हुआ तो गलत होगा। तब दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है, बकरा बहुत कामी होता है, जो बहुत कामी व्यक्ति होते हैं ना उन्हें दूसरा जन्म बकरे का मिलता है, बहुत कामी होता है, बकरे का सर लगाया गया, हवन पूरा किया जाता है। उसके बाद माता के शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ सुध नहीं है उन्हें, याद में है उनकी, उनके शरीर को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं, अपना कार्य भूल गए, तीन देव सिर्फ कहने को देव नहीं है, तीनों को कार्य सौंपे गए हैं, ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान पालन का कार्य करते हैं, और महादेव जी विनाश का, यानी मृत्यु, अब मृत्यु हो नहीं रही, रचनाएं होती जा रही है। तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है, और एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे
वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। उसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी। वो सब सती माता के अंग है जो एक एक जहां जहां जाकर गिरते हैं वहां वहां सिद्ध पीठ बनते हैं। तो महाराज जब कुछ नहीं बचता तो वापस आकर तपस्या करने लग जाते हैं। अब वही सती माता तप कर कर दूसरा जन्म पार्वती माता के रूप में लेती है हिमाचल राजा के यहाँ पर। विवाह योग्य होती है हिमाचल राजा के यहाँ। नारद जी जाते हैं, हिमाचल राजा ने कहा बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई वर बताइए। आप भी कहते ना बेटी विवाह योग्य हो जाए मित्रों से कि कोई अच्छा वर बताना। तो हिमाचल राजा नारद जी से कहते हैं, नारद जी को सब पता है। नारद जी ने कहा बड़ा अच्छा वर है। बोले कौन है, नाम क्या है? बोले नाम है महादेव। क्या करता है, धन इत्यादि है कि नहीं? अरे बोले धन तो इतना है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके पास आते हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, चलिए आप पे विश्वास रखकर बिना देखे बिना जाने बिना मिले कह दिया रिश्ता पक्का। तारीख इत्यादि सब निकल गई। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास आते कि मैंने इतना कार्य तो कर दिया पर महादेव जी से बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, उनसे मैं बात नहीं कर सकता। तब विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं प्रभु समय हो गया है बहुत, विवाह कर लेना चाहिए। महादेव जी ने कहा मुझे, अरे आप कन्या तो देखिए कौन है, आप ना नहीं करेंगे कन्या देखकर। महादेव जी देखते हैं तो ये तो सती ही है, तुरंत मान जाते हैं सती माता नहीं तप कर कर दूसरा जन्म पार्वती माता का लिया था कि मुझे महादेव जी से ही विवाह करना है। तो महादेव जी ने कहा ये तो सती ही है, तुरंत मान जाते हैं। आइए